दोस्तों, आप सभी लोग जी टीवी पर टेलीकास्ट हो रहे शो कुमकुम भाग्य को तो जरूर देख रहे होंगे, जो पिछले 5 सालों से लाखों करोड़ों दर्शकों का दिल जीतता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें सहायक अभिनेत्री के तौर पर अंजुम फकी सृष्टि का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं और अपने इस किरदार के चलते बहुत ही ज्यादा मशहूर और अपनी खूबसूरती से लाखों करोड़ों दर्शकों के दिलों को धड़का चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अभिनेत्री अंजुम फकीर से ज्यादा खूबसूरत इनकी माँ है? जी हाँ, इनकी माँ इनसे ज्यादा खूबसूरत और स्टाइलिश हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे अंजुम फकीर से ज्यादा खूबसूरत इनकी माँ है, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम आपको इन दोनों की तस्वीर को कंपेयर करके बताने वाले हैं कि कैसे अंजुम फकीर से ज्यादा इनकी माँ खूबसूरत है। पर इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कुंडली भाग्य सीरियल में सृष्टि अरोड़ा का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अंजुम फकी का जन्म 12 सितंबर 1989 को महाराष्ट्र में हुआ था, इसीलिए इनकी पूरी पढ़ाई भी यहीं से कंप्लीट हुई थी। लेकिन अगर बात करें इस खूबसूरत अभिनेत्री के अभिनय करियर की, तो उन्होंने साल 2010 में आए शो माही वे से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी, जिसमें इन्होंने अपने किरदार को इतनी खूबसूरती से पर्दे पर उतारा कि आगे चलकर इन्हें टीवी के कई लोकप्रिय शोज में काम करने का मौका मिला, जिनमें इन्होंने कभी एक था राजा एक थी रानी में रानी रागेश्वरी बनकर लोगों के दिलों को जीता, तो वहीं देवांशी सीरियल में यह साक्षी भटनागर के मानसिक रोगी का जबरदस्त किरदार निभाते हुए नजर आई। और जब इनके अच्छे प्रदर्शन के चलते इन्हें जी टीवी के पॉपुलर शो कुंडली भाग्य में सृष्टि अरोड़ा का मुख्य किरदार निभाते हुए देखा जा रहा है और बड़े अच्छे लगते हैं सीरियल में भी मैत्री का किरदार निभाती हुई नजर आ रही हैं। अब बात करें कैसे कुंडली भाग्य सीरियल में नजर आ रही अभिनेत्री अंजुम फकीर की माँ इनसे भी ज्यादा खूबसूरत हैं, तो आपको बता दें इनकी मम्मी का नाम सुल्ताना फकीर है। जहाँ अंजुम फकीर अपने रियल लाइफ में वेस्टर्न जैसे ड्रेस को कैरी करती हैं, जिसमें वन पीस जीन्स टॉप और भी कई स्टाइलिश ड्रेसेस शामिल है, जिसमें ये बहुत ही खूबसूरत और स्टाइलिश नजर आती हैं। तो वहीं इनकी मम्मी भले ही ज्यादा एज की हो गई हों, पर इसके बावजूद वो भी काफी स्टाइलिश कपड़ों को कैरी करती हैं और अपने बाल को भी बहुत अच्छे तरीके से सेट करके रखती हैं, जिसमें वो काफी अच्छी और यंग लगती हैं। अगर आप इन दोनों माँ बेटी की तस्वीरों को कंपेयर करके देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इन दोनों माँ बेटी के चमकते हुए चेहरे का राज क्या है। तो जहाँ अंजुम फकीर की जवां उम्र का असर है, तो वहीं इनकी मम्मी बढ़ती उम्र के बावजूद अपने चेहरे का बहुत ज्यादा ध्यान रखती हैं, जिस वजह से 50 की होने के बावजूद 40 की दिखती हैं, जैसा कि आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। तो इस तरह से अंजुम फकीर की माँ इनसे भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं। तो दोस्तों, क्या आपको भी अंजुम फकीर की माँ इनसे ज्यादा खूबसूरत लगी? अगर हाँ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और नई खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।